स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन, टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम लीव्स ऑफ द प्लांट फूड फैक्ट्रीज. लीव्स ऑफ द प्लांट फूड फैक्ट्री. ओके, मीन्स इसको कह सकते हैं कि लीव्स आर किचन ऑफ प्लांट. फूड फैक्ट्री का मतलब कि वह फैक्ट्री या वह वर्कशॉप जहाँ पर फूड बनता है उसे हम फूड फैक्ट्री बोलते हैं. तो इसी प्रकार से प्लांट बॉडी में जो लीफ होते हैं वहाँ पर फूड बनता है, और जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड स्वयं बना लेते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. तो ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, इसको पिछले वीडियो हमने आपको बताया था. तो आज आपको बताएंगे कैसे वो फूड बनाते हैं. ये इक्वेशन दिया है आपका, इसको लर्न कर लीजिएगा. CO2 और वाटर मिलकर के ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक. इसको लर्न कर लीजिए. ये है मेन प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. इसके लिए चाहिए क्लोरोफिल और सनलाइट. क्लोरोफिल लीफ में होता है, सनलाइट आसमान से सूरज से आती है, और ये दिन में फोटोसिंथेसिस होता है. ये केवल ग्रीन प्लांट्स में होता है और कहीं नहीं होता है. देयरफॉर ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. ओके, अब इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आएगा ये देखिए. ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन नॉन ग्रीन प्लांट्स. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं, फिर भी उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है वो ABC टाइप के होते हैं. तो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो दूसरे टाइप का क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल में वो अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, तो उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो जाता है. ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये प्लांट्स, ये एग्जांपल है इसके. नेक्स्ट है एल्गी, ये भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं और प्राइम टाइप के. प्राइम टाइप का मतलब कि ये वेल डेवलप्ड नहीं है, ग्रीन होते हैं, इनके बॉडी में भी फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस से अपना फूड स्वयं बना लेते हैं. देयरफॉर दे आर ऑटोट्रॉप्स. अब उसके बाद आता है आपका ये सिंथेसिस ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. मीन्स सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज से ही दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं. जैसे ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन द्वारा स्टार्च बनता है, फिर स्टार्च से और आगे दूसरा कंपाउंड बनता है, दूसरा प्रोडक्ट बनता है. ग्लूकोज के द्वारा ही अमीनो एसिड बनता है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, फिर प्रोटीन से एंजाइम बनता है, और वो एंजाइम प्लांट बॉडी में पूरी तरह से जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं. तो ये है एक किस तरह से प्लांट बॉडी में कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के द्वारा ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज से बहुत सारे तरह तरह के बायोकेमिकल बनाए गए, जैसे तेल हो गया, आयल जिसको बोलते हैं, आयल होते हैं, और वो आयल फिर यूज़ किए जाते हैं. फिर इसके बाद आता है आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. इसके बाद आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, पढ़ना पड़ता है. जैसे देखिए ये है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम से प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, राइट. सो अब जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बीइंग ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं,
एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जैसे एल्गी जिसको बोलते हैं, वो भी हेटरोट्रॉप्स होते हैं, राइट। दीज आर हेटरोट्रॉप्स, वो अपना फूड नहीं बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉप्स अगर हम बात करें तो आपका आता है सेप्रोटाइप्स, सेप्रोटोपिक न्यूट्रिशन, ये सड़ी गली चीज़ों से अपना फूड प्राप्त करते हैं, जैसे ये इनको एल्गी बोलते हैं, मशरूम है ये सड़ी, दे गेट फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, इनको क्या बोला जाता है, सेप्रोटोपिक, सेप्रोटॉप्स होते हैं, अंडरस्टूड। देयरफॉर तो आफ्टर सेप्रोटोपिक न्यूट्रिशन आई विल एक्सप्लेन अदर टाइप्स ऑफ हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन इन नेक्स्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न दिस, बी केयरफुल, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।